Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं बिपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, टाइम एंड टेंस। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा गोल्डन रूल्स, तो गोल्डन रूल्स कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे रूल्स हैं, ये समअप है ऐसे कुछ रूल्स का जो चाहे आप 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर हो, CBSE के एग्जाम्स के अंदर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या फिर किसी भी लेवल के एग्जाम्स, दिस रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कह सकते हैं संजीवनी है आपके लिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी बिना ज़्यादा मेहनत के, ट्रिक्स के साथ, है ना। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना गोल्डन रूल्स ऑफ टाइम एंड टेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ टाइम एंड टेंस, है ना। क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ टाइम एंड टेंस? तो गोल्डन कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको स्योरली गोल्डन बटन का काम करेंगे, मतलब आपको ये एग्जाम में नंबर दिला के रहेंगे, है ना। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका कि यूज, क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्रिया का तीसरा रूप यूज करना है, किसके साथ, हैव हैज और हैड के साथ। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या रहे, हैव रहे, हैज रहे या फिर हैड रहे, याद रखना है कि हैव हैज और हैड ये कहीं भी आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, वहाँ पे भीतरी का यूज करना है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर कोई सेंटेंस है, जैसे सपोज हमने बोला कि आई हैव, क्या है, आई हैव उसका डैश दिया हुआ है ना, तो आई हैव डैश दिया हुआ है। सपोज ऑप्शन में आपको क्या है, इट दिया हुआ है, तो इट दिया है तो आपको तुरंत रूल याद आएगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा है कि हैव हैज या हैड। तो हैव हैज या हैड के साथ ऑलवेज क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में है, इट है, तो इट का क्या हो जाएगा, इट एट इटन, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिलअप करेंगे, इटन फिलअप करेंगे। तो क्लियर है, किसी भी सेंटेंस में अगर हैव हो, हैज हो या क्या हो, हैड हो, हैव हैज या हैड, तो हमेशा क्या करना है आपको, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर, ओके। नंबर सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में क्या रहे, डू रहे, डज या डिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे पूछने का पूरा चांसेस होता है। डू डज या डिड, किसी भी सेंटेंस में क्या रहे, डू डज या डिड रहे, तो डू डज और डिड आए तो हमेशा वर्ब का क्या यूज करना है आपको, ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है ना। याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए या फिर क्या आ जाए, डिड, तो डू डज या डिड कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या, उसका जो बेस फॉर्म, मूल रूप या V1 उसको बोल सकते हैं आप, है ना। जैसे सपोज अगर क्वेश्चन है कि वेयर डज, क्या है क्वेश्चन, वेयर डज, है ना, क्वेश्चन में क्या है, वेयर डज। अब जैसे वहां पे डज है, वेयर डज ही, उसके बाद डज दिया हुआ है ना। अब ऑप्शन में सपोज लिव है, तो लिव जब दिया, जैसे आप देखा कि डज है, तो डज है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको V1 का यूज करना है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, लिव का लिव फिलअप कर देंगे, जो भी ऑप्शन दिया हुआ V1 ओरिजिनल फॉर्म उसी को आप क्या करेंगे, वहां पे उसको फिलअप कर देंगे। तो याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज या डिड आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म को फिलअप कर देना, ओके। चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, विद मॉडल्स, मॉडल्स के साथ हमेशा, है ना, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म को यूज करना है। तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स आपका कितना होता है, 13 होता है, सबको मालूम है कि मॉडल्स कितना है, टोटल मॉडल्स कितना है, 13 है। कौन कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू, मस्ट, है ना। तो मॉडल्स कहीं भी अगर आ जाता है, मॉडल्स याद रखना, मॉडल्स कहीं भी अगर आ जाए तो मॉडल्स के साथ आपको हमेशा क्या करना है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है। मॉडल्स कहीं भी याद क्या करना है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है। जैसे हमने बोला कि आई सेल, सपोज क्या बोला मैंने, आई सेल, तो सेल क्या है, एक मॉडल है, तो मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आता है, V1 लगता है, तो आई सेल गो हो जाएगा, आई सेल प्ले हो जाएगा, आई सेल कम हो जाएगा, आई सेल इट हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर मॉडल्स आएगा तो आपको क्या करना है, हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज करना है, ओके। नंबर 4, अब क्या है, टू, याद रखिए टू के साथ हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगता है, कहीं भी टू आ जाए, जैसे कि ही वांट्स टू, तो टू है तो क्या हो जाएगा, V1, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो, है ना, हमेशा ये देखना है क्या होगा। अब ही वांट्स टू, तो टू है तो टू के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो याद रखना है कि कहीं भी टू आ जाए, आई वांट टू तो गो, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू डांस, तो टू के साथ हमेशा क्या करना आपको, V1 का यूज करना, ओके। नंबर 5 है स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप कहीं भी आ जाए उसका क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। हमको मालूम है कि वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या बोल सकते हैं, V4 बोल सकते हैं, है ना।
बिफोर मीन्स वर्ब प्लस आई एन जी, यानी कि अगर बोलना है किसी को लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टार्ट रनिंग, स्टॉप रनिंग, स्टार्ट और स्टॉप के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब प्लस आई एन जी का यूज, इसको ध्यान रखना है। स्टार्ट और स्टॉप के साथ हमेशा वर्ब प्लस आई एन जी का यूज करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर सिक्स क्या है, फॉन्ड ऑफ, थॉट ऑफ, डिजायर ऑफ। देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होता है ना, वो इस चीज़ का शौकीन है, दोस्त बनाने का शौकीन है, कोई खाने का शौकीन है, कोई नई गाड़ियों का शौकीन है, कोई अच्छा पहनने का शौकीन है। थॉट ऑफ मतलब कोई चीज़ की सोच में, और डिजायर ऑफ किसी चीज़ की इच्छा में। तो फॉन्ड ऑफ, थॉट ऑफ और डिजायर ऑफ, ये तीनों कहीं भी अगर आ जाए तो इनके साथ आपको क्या करना है, भर प्लस आई एन जी का यूज करना है, यानी कि वी फोर का यूज करना है। ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द अदर्स, इस तरह से। जैसे आई वॉज इन थॉट ऑफ गोइंग देयर, थॉट ऑफ तो क्या, गोइंग देयर, यानी कि फॉन्ड ऑफ, थॉट ऑफ, डिजायर ऑफ के बाद हमेशा क्या लगाना है, भर प्लस आई एन जी का यूज करना है। ओके, नंबर एट, सेवन काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो कहीं भी अगर इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हमसे क्या लगता है, वी टू। जैसे हम बोला कि इट इज टाइम आई, उसका डैश है देयर, ऑप्शन गो है, तो गो का वी टू क्या हो जाएगा, वेंट। इट इज हाई टाइम आई वेंट टू माई विलेज, है ना। इट इज अबाउट टाइम ही केम हियर। तो याद रखिए, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो मैं श्योर करता हूँ आपको कि टाइम एंड टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा, लगभग क्वेश्चन आपके 12 बोर्ड में बन ही जाएगा आपके, है ना। तो ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नंबर एट क्या है। अभी देखिए जो एट नंबर है, एट और नाइन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या दिया हुआ है कि नेवर यूज पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड। पास्ट इंडिकेटिंग मतलब पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड, उसको दर्शाने वाला वर्ड। जैसे बोलते हैं ना, एक घंटा पहले, दो घंटा पहले, है ना, परसों, तरसों, जो बीत गया, बिफोर, प्रीवियस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री, यस वेरी गुड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी कोई पास्ट का वर्ड यूज नहीं करना। जैसा कि अगर हम बोलते हैं आई हैव सीन हिम स्टर्डे, तो गलत जगह, क्योंकि स्टर्डे आ गया, स्टर्डे पास्ट का वर्ड है, तो आई हैव सीन हिम स्टर्डे कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी पास्ट का वर्ड लगता ही नहीं है। क्या होगा, आई सॉ हिम स्टर्डे, है ना, ध्यान रखना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, छात्रों, कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कोई पास्ट को इंडिकेट करने वाला, पास्ट को इंडिकेट करने का मतलब क्या, जैसे एगो मतलब होता है ना, पहले, बिफोर, प्रीवियस, स्टर्डे, इन सब वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ओके, नंबर नाइन है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या रहे, एट वर्ड रहे, क्या रहे, एट, एट मतलब क्या, अभी तक, अभी भी, है ना। तो याद रखना है कि एट वर्ड अगर कभी भी रहेगा तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव यूज करना है। जैसे मैंने बोला कि ही गैप एट, अब एट है वहां पे, सपोज कम दी ऑप्शन में, तो एट है ना, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव, यानी कि ही हैज नॉट कम इट, हैज नॉट हो जाएगा, हैज नॉट प्लस वी थ्री। तो एट वर्ड रहे तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके, नंबर टेन है कि यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री। हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री यूज करना है कब, पैसिव स्ट्रक्चर में। और जब आप 12 के स्टूडेंट हो या तैयारी करो कॉम्पिटिटिव की, तो आपने एक्टिव पैसिव जरूर से पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो पैसिव स्ट्रक्चर को पहचानने का तरीका क्या है, कि उसके लास्ट में लगभग केसेस में बाई प्लस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो जैसे आप देखोगे लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, समझ जाओ वो पैसिव स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या करना है, आपको वी थ्री का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री का यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आपको मालूम है कि टोटल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कितने हैं, तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना है, 24 है, 24 ऐसे इज आर एम, वाज, वर, डू, डज और बाकी जो मॉडल्स है आपने, है ना, वो सारे। और जो भी वर्ब, उसका कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म यू हैव टू यूज। जैसे दिस लेटर इज रिटन बाय मी, है ना, तो बाय मी है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, इज रिटन, हेल्पिंग वर्ब प्लस भीतरी कर दिया, ऑप्शन देख लेंगे। देन है कि अगर किसी सेंटेंस में क्या रहेगा, नाउ रहे, एट द मोमेंट रहे, इन प्रेजेंट टाइम रहे, नाउ व डेज रहे, दिस डेज रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर, है ना। जैसे नाउ सी डैश नाउ डेज सी, तो क्या सी डैश नाउ डेज। अब हम लोग सपोज वहां पे लिख सकते हैं राइटिंग अ बुक, तो सी इज राइटिंग अ बुक नाउ डेज, मतलब इन दिनों आजकल क्या हुआ, किताब लिखने में बिजी, किताब लिख रही है। तो दिस डेज रहे, नाउ डेज रहे, एट द मोमेंट रहे, सी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग नाउ, तो नाउ है तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने वहां पे यूज कर दिया। ओके,
देखिए नंबर 12 क्या है, देखिए 12 और 13 इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, गारंटेड आएगा ही आएगा। और एक ही देखिए मैं नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से एकदम बिल्कुल ऐसे रट लेना, ही विल बी कुछ भी एज रहा, ही विल बी 60, नेक्स्ट डे रहे, नेक्स्ट ईयर विल बी, रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब देखिए क्या दिया है 12 में, यूज V1 और V5। अब कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, रेयरली, हार्डली, कॉमनली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, डेली। अब देखिए यहाँ वंस अ वीक या मंथ दिया है, मैंने लिखा वंस अ वीक। अब वंस के बदले ट्वाइस भी एवरेज दिखा रहा है ना, सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, होता है कि एक घंटे में एक बार, साल में एक बार, है ना। तो वंस की जगह पर होता है ट्वाइस रहे, थ्राइस रहे, तो इससे परेशान नहीं होना कि सर ने तो वंस बोला था। यहाँ पे वंस भी हो सकता है, ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है ना, वो ध्यान रखना है। तो जो भी रहे वहाँ पे एवरी डे, अब एवरी डे है, एवरी आवर हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है ना। तो ध्यान, इसमें कोई भी एक वर्ड रहेगा तो V1 या V5 यूज करेंगे। अब दो ऑप्शन है, V1 या V5। तो आपको मालूम है कि V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, V5 क्या है, सिंगुलर, SES। भर में अगर आप जोड़ते हो SES तो बन जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पर चेक द सब्जेक्ट, देखना है सब्जेक्ट भाई कि वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आप यूज V1 या V5। और 13 भी वही क्वेश्चन आपका रूल है, अगर सेंस में एगो रहे, स्टडी रहे, लास्ट रहे, बिफोर रहे, प्रीवियस रहे, तो आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V2 का यूज करेंगे। जैसे ही डाइड, ही गैप इन 1985, तो देखिए 1985 है तो एक पास्ट का वर्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डाइड, आई गैप हिम स्टडे मीट, तो क्या हो जाएगा, स्टडे है तो आई मेट हिम स्टडे, यानी कि कोई वर्ड रहेगा तो क्या करना है आपको, V2 का यूज करना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो काफी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपने 13 रूल्स को अच्छे से देख लिया, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको इससे क्वेश्चंस टैली करेंगे ही करेंगे, ये मेरी गारंटी है, दावा है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, कीप वॉचिंग, थैंक यू।